होली के अवसर पर स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेने के साथ साथ सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। नकली मावे की गुजिया खाने से होली के रंग की चमक भी खतरे में पड़ सकती है, इसलिए हम आज असली और नकली खोया पहचानने के तरीके साझा कर रहे हैं, जिससे आप बाजार से शुद्ध मावा खरीद सकेंगे। दरअसल त्योहार आने से पहले मावे में मिलावट करने के लिए कुछ मुनाफाखोर मावा यानी खोया में मैदा, आलू, सिंघाड़े के आटे जैसे कई अन्य चीजें भी इस्तेमाल करते हैं, जो आपकी सेहत को काफी गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में असली और नकली मावे में फर्क करने के तरीके को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। यदि आप इसकी पहचान घर पर या खरीदते वक्त करना चाहते हैं, तो आप इसे रगड़ कर इसकी पहचान कर सकते हैं और इसकी बॉल्स बनाकर भी इसकी पहचान कर सकते हैं। वहीं आप घर पर लाकर इसे आयोडीन की मदद से भी जांच सकते हैं। लोकल एडीन से बातचीत में देहरादून के मच्छी बाजार के 50 साल पुराने डेयरी व्यापारी प्रेम सिंह खेरा कहती हैं कि त्योहारों के मौके पर अक्सर मिल्क प्रोडक्ट में मिलावट देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा खोया से संबंधित मिठाइयों में इस तरह की मिलावट देखी जाती है। आप असली नकली की पहचान खोया को चख कर सकते हैं। इसके अलावा असली मावा में चिपकन और लचीलापन होता है, वहीं नकली खोया रूखा होता है और स्वाद में मिलावट साफ पहचानी जा सकती है। मेरा नाम प्रेम केरा है, ये 1947 से हमारी शॉप है और प्योर मावा है। हर आइटम हमारी प्योर है, किसी चीज़ में कोई मिलावट नहीं है। और इसकी ये पहचान है कि इसके मावे के अंदर हल्का पीलापन होता है और चिकनाहट ज़्यादा होती है। और जो मार्केट का मावा होता है, डुप्लीकेट मावा होगा, उसमें वाइटपन होगा और उसमें मैदा मिलाया जाता है। और हमें हमारा बिल्कुल प्योर मावा है, हमें किसी प्रकार की कोई ऐसे टेंशन नहीं होती और हमने नाम लिखा हुआ है। जो अगर मावे मावे के अंदर साबित कर देगा कि मावा नकली है, उसको इनाम भी दिया जाएगा। हमारे मावे के अंदर जो अगर गलत साबित कर देगा, उसे 51,000 का इनाम मिलेगा। दो दिन से शुरू होता है, दो दिन पे बार आता है तो सारा माल प्योर आता है। ये हमारा मावा है, ये मावा हमारा जो है एकदम प्योर होता है। इस पर इनाम भी है, इस पर नहीं, हर एक आइटम पर इनाम है, 51,000 का इनाम है। कोई भी माल नकली साबित करने पे 51,000 का इनाम है। ये हमारे देसी घी के लड्डू हैं, वो भी देसी घी के ही हैं। कलाकंद है, रबड़ी है, रसमलाई वगैरह ये सब है, मक्खन भी है, देसी घी है, गुप्ती है, भैंस का, गाय का, हर चीज़ पर जो है 51,000 का इनाम है। कोई भी माल नकली साबित करने पर 51,000 का इनाम होगा। आप जो है ये मावा हमारा ले जाओ या कोई भी माल लेके जाओ, मक्खन है हमारा 680 रुपये किलो है। वैसे हम लोग बेच रहे हैं 800 रुपये, 1,000 रुपये तक बेच रहे हैं, लेकिन 680 उसमें जो 1 किलो मक्खन में 800 ग्राम तक ये निकल आता है, ये पहचान है। दूसरी पहचान ये है कि इसमें आपको अगर गुलाब जामुन वगैरह कुछ बनाओगे तो अगर गुलाब जामुन में 600 ग्राम मैदा लगता है, इसमें जो है 150 ग्राम आपको मैदा लगाना पड़ेगा। क्योंकि जो बाकी लोग मावा है तो उसमें पहले से लगा रखते हैं, बाकी इसमें कुछ लगता नहीं, बाकी पाउडर वगैरह सोडा वगैरह कुछ नहीं लगता है, लगाने की जरूरत नहीं। रेट क्या चल रहा है? रेट हमारा मावे का 400 रुपये किलो है, पनीर भी 400 रुपये किलो है, मावा 400 रुपये किलो है।